बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाहिद और आप सब देख रहे हैं बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। आज यार आपको वीडियो का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, तबीयत कुछ नासाज थी, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली को नहीं बुला इस हालत में भी। दोस्तों यार ये एक मज़े की चीज़ है यार, ये हमारी हम छत पे क्यों है, क्योंकि ये हमारी बेल फूल चुकी है और यार ये इतनी लश ग्रीन होगी ना कि हम इसको आगे तक ले जाएंगे, ताकि यार ये फ्रंट लुक जो हमारी मास्टर केज की होगी ना ये भी बहुत खूबसूरत लगेगी। दूसरा ये बेल देखें कहाँ से आ रही है, वो वहाँ से नीचे से आ रही है बिल्कुल एंड से, तो बड़ी खूबसूरत बेल है ये हमारी और जब फूलती है ना तो आउट क्लास लगती है। दूसरा यार मैं जब छत पे आया हूँ ना तो मास्टर केज का रूफ टॉप देखें, मास्टर केज का जब हमने रूफ देखा है ना तो वो यार वो रोज़ के रोज़ जो हम कहते हैं ना तूफ़ान बर्पा हो गया तो पत्ते गिर जाते हैं, तो आज मेरे ख्याल में सबसे पहला टारगेट ये करता हूँ कि उसकी सफाई करता हूँ ऊपर से। लेकिन सबसे पहले हमारे आज़ाद पंछी, तो आज़ाद पंछियों के लिए पानी भी आ चुका हुआ है और यहाँ पर मैं कुछ बाजरा डाल के फिर चलता हूँ नीचे। ये देखें ये रोज़ के रोज़ अब आधे से ज़्यादा खाली हो जाते हैं, अब मैंने सब पिछला गिरा के ताज़ा रीफिल कर दिए। एक और सरप्राइज़ आपसे मैंने मशवरा लेना यार, आप लोग डन करेंगे, मैंने याद है एक दफ़ा एक व्लॉग में कहा था कि आप लोगों को आप लोगों की परमिशन से और आप लोगों की सजेशन से जब आप लोग मुझे फाइनल बताएंगे ना कि यार गो हेड है कि जाहिद भाई ये काम कर लें, तो चले आए बता दो क्या काम कर लें। तो यार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों यार ये देखें एक छत तैयार करा रहा हूँ, ये खूबसूरत है। अब इसमें मैं आपसे क्विज़ नहीं खेलूँगा क्योंकि ये मेरी ज़रूरत है और आप लोगों की सजेशन की सख्त ज़रूरत है, कि मैंने आपसे कहा था ना कि पिजन के लिए मैं एक लोकेशन मैंने डिसाइड की हुई है और उनको ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ। तो अगर पिजन के लिए ये एरिया इतना बड़ा, ये पूरा मैं बाउंड्री वॉल लगा रहा हूँ ऊपर और यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ कि पिजन को यहाँ पर लेके आया जाए छत पर, यहाँ पर ऊपर रहेंगे, उड़ना हो नीचे बैठना हो तो यार ये बेहतर होगा, उनको पहचान हो जाएगी घर की, जबकि वो दरख्तों की वजह से ना इनकी वजह से वो नीचे करके उनका घर है तो यहाँ पे इनको प्रॉब्लम होती है, यहाँ से हमें भी नहीं नज़र आता, उनको क्या नज़र आएगा। तो यही प्रॉब्लम की वजह से हमने सोचा है यार ये देखें, यार ये देखें आम आने लगे हैं दोस्तों, देर नहीं है बस कुछ दिनों की बात है, मीठे मीठे आम आएंगे यार बड़े मज़े के, तो आपको वो भी दिखाऊंगा। तो यार दोस्तों इसके बारे में कमेंट्स कीजिएगा, लोकेशन आप ये देख लें छत है पूरा, इस तरफ थोड़ा सा लोकेशन दिखा दें, ये मोहिब वगैरह खड़े हैं तो ये इस एरिया में हम पिजन रखें और इधर थोड़ा सा खोल भी लें और उड़ना चाहें तो वो उड़ भी सकें, तो आपने बताना है ये जगह जाहिद भाई ठीक है परफेक्ट है। आज यार कोई गार्डनिंग शार्डनिंग का ही मूड हो रहा है क्योंकि यार प्लान मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होता हूँ। ये देखें इम्तियाज़ भाई की ड्यूटी लगाई हुई थी कि ये आपको पता है ना अंगूर की वो बेल है जो नीचे सारी बिल्कुल उसकी टहनियाँ गिरी हुई थी और अंगूर सारा नीचे गिर जाना था, तो इम्तियाज़ भाई फुल प्रोटोकॉल के साथ ऊपर टॉप ऑफ द रूफ और ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि इन बेल को हम किसी तरीके से ऐसी जगह पे रखें जहाँ अंगूर, इम्तियाज़ भाई ये ना हो अंगूर खट्टे हैं, हम ये करें कि हाथ नहीं पहुँच सकता और अंगूर खट्टे हैं, ऐसी जगह पर करें जहाँ हमारी अप्रोच हो, हम अंगूर उतार तो सकें, इस तरफ आएंगी ना देखिएगा टूटे नहीं, हाँ बिल्कुल ये ना हो पीछे से टूट जाए, ये भी इतिहास है आराम से मीठे मीठे हाथों से यार इम्तियाज़ भाई, और ताकि यार ये मीठे मीठे अंगूर हम खा सकें, ये ना कह सकें अंगूर खट्टे हैं क्योंकि हमारी अप्रोच नहीं है पहुँच नहीं है, हमारा मास्टर के नीचे जितना गंद पड़ता है वो साफ़ रहे। तो यार असद को मैंने ऊपर भेज दिया फ़ौरन से कि यार ऊपर की सफाई करें, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बना अभी तक ऊपर कितना हुआ, अपनी फ़ोन लाइन पे उसके ऊपर नहीं फेंको यार, फिर उधर से हम नीचे फेंकेंगे, इस तरफ फेंक दो, इस तरफ फेंक दो, ये देखो यार दोस्तों ये सारा ना इस तरफ यार, ये देखें सारा का सारा ना मास्टर केज की ना टॉप रूफ ये बिल्कुल इससे पत्थर से भरी हुई है यार, उसको मैंने अंदर, इनको मैंने खाना डाल दिया था, उसको मैंने जो अंडों में बैठी हुई है ना उसको भी मैंने खाना अंदर अंदर डाला ताकि वो खाना खा ले, अब ये बॉडीगार्ड और वो जो अंडों में बैठी है इन दोनों ने नहीं खाया, ये सब खा चुकी हैं, ये खाने के बाद ना मेरे साथ बदमाशी कर रही है, ये वाली ये वाली ये वाली, हाँ जी ओह देखें मुझे साइड पर हो जाए साइड पर हो जाए, ये देखें यार कितना ऊपर गंद था, अब वो सारा हम यहाँ इकट्ठा करके ना तो इसको एक ही जगह पर इकट्ठा करके डेयरी बना के जला देते हैं, आग लगा देते हैं, मुर्गियाँ भी खा पी के बिल्कुल ऐसा, ये देखें मुर्गियों को मैंने फीड डाल दी थी तो बिल्कुल वो अभी ओके हैं, अब सिर्फ पिजन्स की बारी है। भाई खोलो यार खोलो खोलो खोलो, अब पानी पानी वाला बर्तन उठा लो ना इतनी देर में, ये लका का बच्चा पूरा कबूतर बांध चुका हुआ है, ये देखें ये जिसने टेल उठाई हुई है ना पूरा कबूतर बांध चुका हुआ है, बाकी दो बच्चे भी माशाल्लाह हमारे बहुत प्यारे हो गए, अब आप इसमें से अगर जज कर सकते हैं तो बताइएगा, एक बच्चा ये है दूसरा बच्चा आपने ढूंढ के बताना है किधर है, इधर भी दो हैं इधर भी दो हैं, आगे ये लका वाले ख़राब हो चुके हैं तो उसने दोबारा दिए थे तो बच्चों ने बैठने नहीं दिया माँ बाप को, उन्होंने कहा भाई हमें अभी आप दाना दो इधर किधर बैठ गए हो। आज बेसिकली यार दोस्तों सफाई डे है, सफाई प्लान है, हम क्लीनिंग की तरफ ज़रा फोकस करें क्योंकि यार हमारे मास्टर केज की ब्यूटी जो खूबसूरती है हमने सारे कारपेट शार्ट फिर उठा के बिल्कुल ज़ीरो से सफाई फिर करवा रहे हैं ताकि यार जितना गंद पड़ा हुआ है ना वो साफ़ कर सकें, आज इनको बाहर निकाल लें।
चलें कल निकालते हैं, आज इनको अंदर ही रहने दे। इम्तियाज़ भाई को हमने ऊपर चढ़ाया हुआ है कि यार इस बेल को ना प्यार से, नाजुक से बेल होती है कि टूट ना जाए। अच्छा अब नए पत्ते आ चुके हैं दोस्तों, यार इसके ना जामन, ये जामन का दरख्त है यार दोस्तों, यहाँ पे इतने मज़े के जामन लगते हैं ना कि जब आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि यार इतने शानदार, जैसे रसगुल्ला गुलाब जामुन, जिसे जेन्युइन गुलाब जामुन कहते हैं ना, उस तरह का जामुन यहाँ पे आता है। हाय जो सब्सक्राइबर हमारे पास उस दिन आ गया ना जामुन के दिनों में, वो कहेगा कि यार जाए वाकई ऐसा जामुन कहीं नहीं खाया, ये गारंटी है मेरी। तो दोस्तों यार ये देखें यार छत की हालत अब माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है, असद की मेहनत रंग ले आई है, इम्तियाज़ की मेहनत भी, दोनों माशाल्लाह हमारे साथी। ये देखें कितना ढेर पत्ता था यार, अच्छा खासा पत्ता ये ऊपर से उठा के नीचे लेके आया। तो अब यार नए पत्ते आ चुके हैं और पुराने पत्ते बस कुछ रह गए हैं जो थोड़ी एक दफ़ा या दो दफ़ा की डिस्टर्बेंस करेंगे, लेकिन यार बार बार कह रहा हूँ कि जिस सब्सक्राइबर ने जामन के दिनों में मेरे पास विज़िट किया ना, उसको ये जामन खिलाऊंगा तो वो ये ज़रूर कहेगा कि यार जैद भी जामन थे, बाकी क्या जामन थे। मास्टर केज के अंदर की हालत वही एज़ यूजल जिस तरह हमेशा की तरह होती है उसी तरह ही है, और बाकी ये आज इसको आग लगाने लगा हूँ अभी यहाँ से आग लगा के, ताकि हम ये यार आज सफाई डे अपना पूरा कंप्लीट करें, और फिर आप लोगों से आज तबीयत कुछ नासाज होने की वजह से जल्द इजाज़त लेना चाहूँगा, और आप लोगों को पता है कि आप लोगों की दूरी मुझे और बीमार कर देगी, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत जो है ना वो मेरे साथ इसी तरह जुड़ी रहे ताकि मैं जल्द अज़ जल्द सेहतयाब होकर उठ सकूँ। आज आपको पता है यार हालत मैं आपको दिखा सकता हूँ, टेम्परेचर था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, और उसकी वजह से फिर भी आप लोगों से दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, क्यों आप लोगों की दूरी जो है ना, और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ना, मैंने हमेशा यार हमेशा आप लोगों का एक मन से कि यार वो मुझे बूस्ट अप करते हैं और 100% बूस्ट अप करते हैं। तो यार ये अब इकट्ठा करके जल्द से जल्द हम यहाँ पे इसको आग लगा के ना फौरन से इसको ख़त्म करते हैं। यार दोस्तों मास्टर केज के पास ना सब कुछ जलने लगा है, सब राख होने लगा है, लेकिन हमारे बर्ड्स नहीं, ये सब कुछ जो कचरा है यार ऊपर से आया हुआ है, ये अब हम इसको आग लगाने लगे हैं, देखते हैं आग कैसे भड़कती है। तो यार अब ये अच्छा खासा धुआं हो जाएगा, लेकिन यार हम इसको बाहर भी नहीं फेंक सकते थे ना, इतना ज़्यादा ढेर कहाँ पे बाहर फेंकते। और हमारे असद ने यार बहुत मेहनत की है, असद असद ज़रा उधर देखना, और यार इसके लिए यार इसकी मेहनत के लिए आज आपका सब्सक्राइब करना बनता है ना, क्योंकि मेरे बच्चे ने यार ऊपर जाके अपनी जान जोखिम में डाल के और पूरी सफाई की है, तो इसलिए आपने आज असद के लिए सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा, ताकि यार अब हम जल्द अज जल्द ना यार आज तबीयत की वजह से बार बार कह रहा हूँ वो एनर्जी नहीं है, लेकिन आप लोगों को मिस नहीं कर सकता यार, आप लोगों को मिस नहीं कर सकता दोस्तों। ओए होए ओए होए होए आग भड़क उठी है यार, आग भड़क उठी है। तो अब ये गर्मियों की आग है इसलिए मैं इसके पास ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, पीछे हो जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर धुआं धुआं हो चुका है, मैं कहता हूँ यार यहाँ से फ़ौरन निकलूँ इससे पहले कि यार यहाँ पे तूफ़ान आ जाए यार धुएँ का, और मेरी तबीयत पहले से ही गड़बड़ कर रही है। तो आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त, जाने से पहले हमेशा की तरह मेरे साथ और मेरे मास्टर केज के बर्ड्स के साथ आप लोग जुड़े कैसे रहेंगे, सब्सक्राइब करके यार, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपसे इसी तरह मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।